शासन की योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित महाजन टोला निवासी आधा सैकड़ा से ज्यादा हरिजन आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, जन सुनवाई के माध्यम से जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाजन टोला में पिछले कई वर्षों से करीब 400 से 500 हरिजन आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। अपनी इन्हीं सब सुविधाओं की मांग को लेकर करीब आधा सैकड़ा लोग मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टा सहित और सभी सुविधाएं दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि ये लोग पिछले कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, इन्हें जमीन का पट्टा दिए जाए। इनका आरोप है कि इन्हें शासन की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को मकान भी नहीं दिया गया। बारिश के समय में घरों में पानी घुस जाता है। आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे देखने वाला कोई भी नहीं है। हम बहुत समस्या लेके आए हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, बसे हुए हैं महाजन टोला में। किसी इस बस्ती में कोई का पट्टा नहीं बना हुआ सर। कितने लोग हैं आप लोग? ये पूरी बस्ती खड़ी हुई है। 100 लोग की? जी 100 से ज्यादा भी होंगे। उनका अभी तक पट्टा नहीं, किसी का नहीं बना हुआ। कितने साल से आप वहाँ रह रहे हैं? हम लोग कई सालों से, वर्षों हो गए, पता नहीं कितनी पीढ़ी। कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, आवास योजना भी हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को पानी वानी की भी सुविधा नहीं है। पहले कितने बार आए? एक दो बार आए, अर्जी वर्जी दिए, कोई सुनाई नहीं हुई सर। नली नदी के किनारे हैं, बाढ़ आती है थोड़ा भी तो घरों में पानी घुस जाता, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अभी बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं की गई। सबको मिलता है, हम लोगों को, गरीबों को नहीं मिल रहा है। हम लोग भूखे प्यासे आज इस कलेक्ट्रेट के अंदर आए हैं। समस्या ये है कि पट्टा उट्टा बन जाए साहब, कोई हम लोग को योजना नहीं मिलती है। हम लोग पुराने बसिंदा, सतम अठमा कुछ हो रहा है, कोई हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। न बाबा को मिला, न बाप को मिला, हम लोग भी मरने वाले, हम लोगों को भी नहीं मिल रहा है। लड़कों को मिलने की वाला नहीं है। योजना सरकार खोलती है लेकिन हम लोग कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पार्षद से मिले आप? पार्षद को देखिए, सुबह आए थे, यहाँ नहीं आ पाए, कोई साथ नहीं देता।